हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके बेसिकली जो हमने कल वीडियो डाला था राजस्थान जीके क्विज का, तो उसी के आंसर को रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम जो आंसर है वो आप जारी यहाँ पर कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपने इनको सॉल्व कर लिया होगा और आपने यदि हमको PDF भेजे हैं तो अगर आपने उसमें देखेंगे तो आपका नाम अगर उसमें आता है तो हम आपको पर्सनली मेल कर देंगे। तो अब इस जो वीडियो है हमारा वो सुबह 8 या 9 बजे पोस्ट होना था, पर लेट इसलिए हुआ है कि जो आपके PDF आंसर शीट आपने हमको भेजी है मेल के थ्रू, वो देखिए ज्यादा हमको प्राप्त हो गई थी। 10 से 20 के बीच में हमको उम्मीद थी, पर ये 70+ शायद इतने ही है, पर 70+ तो है ही, तो ये हमको प्राप्त हुए हैं। तो उनको नॉर्मलाइज करने में, उनको देखने में हमको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा उसमें लग गया है। तो जिनको भी हम मेल करेंगे वो अपनी पर्सनल डिटेल, हमको मोबाइल नंबर और आपकी कंपनी का नाम वो हमको सेंड कर दीजिएगा। और जैसे ही आप रिचार्ज जीतते हैं तो उसके बाद आप हमको जो है कमेंट कर बता सकते हैं, जिससे सभी को लगे कि आपने जो इनाम जीता है और ये बिल्कुल फेक नहीं है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको सीधे आंसर ही यहाँ पर बता दूंगा। तो प्लीज चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, मीन्स कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान भाग, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिमी। अब फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आप दोबारा से यहाँ पर PDF जो है इस क्वेश्चन की वो डाउनलोड कर पाएंगे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद और आंसर मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बैराग पंथ का प्रमुख केंद्र क्या है? तो आपका जो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन बी रातातुंगा, ये आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ऑप्शन डी डुढ़ाडी, यहाँ पर जो है सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता की डूंगरी कहां पर स्थित है? तो आपका जो इसमें सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी चाकसू, ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष किस कस्बे में है? तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मांगलियावास। असंगत युग्म को छाटिए, तो यहाँ पर जो आपका असंगत है जो मिलान नहीं कर रहा है वो है आपका ऑप्शन डी मार्बल मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क से संबंधित क्षेत्र है? तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरणीय प्रदेश में नदियां प्रतिवर्ष नई उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछा देती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी निम्न भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जनगणना 2011 के अनुसार जयपुर जिले की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी जैसलमेर। उसके बाद फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट इकाई है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो गुड़ा मिलानी तहसील स्थित है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है? तो यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो क्या है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन सी साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हरे कबूतरों हेतु कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सरिस्का। नेक्स्ट है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1998, मतलब ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ चौकी की पाल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राजसमंद झील, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। बाबा का भागड़ा टापू किस झील पर स्थित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जयसंबंध झील। वायु अवर्धन संवादित किस क्षेत्र में होता है? तो आपका ऑप्शन सी जो है पश्चिमी क्षेत्र, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। वर्टिसोल्स मृदा निम्न में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी जो है इसमें अजमेर एंड नागौर, ये आपका करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका वन संरक्षण, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपने ये हमारे जो क्वेश्चन से अगर आपने सॉल्व किए हैं और आपने PDF भेजा है तो आपने नंबर को जो है मिलान कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ। और हमने जो जितने भी हमको यहाँ पर मिले हैं मेल मिले हैं तो उनको मैं यहाँ पर जो हमारे टॉप 3 है जिन्होंने सबसे पहले मेल भेजे थे या फिर उनमें
में से जो टॉप थ्री है या टॉप फोर है, टॉप फाइव जिन्हें मेल भेजा, उनमें जो जितने भी एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो नंबर हाईएस्ट प्राप्त किए हैं, तो उनको मैं मेल यहाँ पर भेज दूंगा और भेज चुका हूँ दो जनों को। एक जना हमारा भी रह रहा है, उसको भी मैं अब सेंड कर दूंगा मेल, अगर उसके नंबर जो है हमारे एक्स्ट्रा उसके ज्यादा बैठे हैं तो उनको जो रिचार्ज आपका जो है शाम तक पहुंच जाएगा। तो आप प्लीज हमें कमेंट कर बता दीजिएगा, जिससे हमको भी कंफर्म हो जाए कि आपको मेल प्राप्त हो गया है। तो फिर इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी प्रोवाइड हो सके। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखते रहिए A24 नॉलेज एंड द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।